नमस्ते दोस्तों, टेकमेक चैनल में सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या कोई भी टेक्नीशियन रहेगा उनके लिए बना है। वेल्डिंग का वर्कशॉप रहो या मैकेनिकल वर्कशॉप रहो, जिन लोगों को एमएस प्लेट का काम पड़ता है उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंड तक आप देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया जाएगा किस तरह से एमएस स्क्वायर फ्लैट रहो या स्टील प्लेट रहो, इसका वजन किस तरह से निकाला जाता है। तो आपको कोई भी फैक्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसका वजन निकाल के दिखाओ तो आपको आना चाहिए। इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाया है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आपको ये ड्राइंग दिया है, इसके अंदर से आपको इस ये प्लेट का वजन आपको अप्रोक्सीमेट निकाल के दिखाने का है। तो हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ माइल स्टील प्लेट का वजन किस तरह से निकाला जाता है। आपको ड्राइंग में दिया है 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय थिकनेस दिया है 10 mm। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का टुकड़ा और उसका जो जाड़ी रहेगा प्लेट का वो 10 mm है। तो इसका आपके पास वजन काटा नहीं गया, लेकिन इसका वजन आपको निकालने का है, तो आपको आना चाहिए। इसके लिए ये आपको बनाया मैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको सब एक ही इसमें बनाने का है। आपको मीटर में रहेगा तो मीटर में बनाने का है, एमएम में दिया है तो सब एमएम में करने का है डायमेंशन। तो यहाँ पे मीटर में दिया है तो ये आपको एमएम का मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 10 mm का मीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, तो 10 mm बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 / 1000 = 0.01 मीटर। ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 10 mm का मीटर में। तो ये पहला करके लेने का। उसके बाद आपको दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको इसके अंदर आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है। कोई भी प्लेट का सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के बाद आपको वेट निकाल सकते हैं। तो ये पहला आपको ख्याल रखना चाहिए, वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको डेंसिटी मालूम होना चाहिए। अलग अलग मेटल का अलग अलग डेंसिटी रहता है, तो आपको एमएस स्टील प्लेट का डेंसिटी क्या है वो चार्ट से आपको मालूम पड़ जाता है। कॉपर रहेगा तो अलग डेंसिटी रहता है, एल्यूमिनियम रहेगा तो अलग डेंसिटी रहता है। तो यहाँ पे एमएस स्टील का डेंसिटी है 7850 kg/m³। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा एमएस के लिए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज आपको अगर मालूम और कन्वर्जन आपको मालूम है तो ये आपको कैलकुलेशन तुरंत आता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। पहला वॉल्यूम ऑफ द प्लेट, इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और मल्टीप्लाई थिकनेस, लंबाई रुंदी और थिकनेस जाड़ी, इसका आपको कितना है आपको यहां पे लिखने का है। यहां पे लंबाई दिया है 1 मीटर, विड्थ दिया है 1 मीटर, इसके बाद आपको थिकनेस 10 mm का अपन कन्वर्शन किया है तो ये कितना है 0.1 मीटर। तो इसका टोटल करने के बाद क्या आएगा, 0.01 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा मीटर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द प्लेट, वॉल्यूम ऑफ प्लेट। ये वॉल्यूम ऑफ द प्लेट आपको इस फॉर्मूला में डालने का है। दूसरा एक फॉर्मूला ख्याल में रखने का, एमएस प्लेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया है और डेंसिटी आपको मालूम है यहाँ पे, तो आपको वॉल्यूम का यहाँ पे आपको अभी वॉल्यूम डालने का है। तो वॉल्यूम कितना है 0.01 मीटर मल्टीप्लाई डेंसिटी कितना है 7850। इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए कैलकुलेटर से तो आपको आंसर आ जाएगा। आप कीजिए कितना आता है,
78.5 यह आना चाहिए, ये 78.5 केजी, ये वेट आ जाएगा 78.5 केजी। ये आंसर हो गया आपका एमएस प्लेट का वजन, वेट ऑफ द एमएस प्लेट। इस प्लेट का वजन आपको 78.5 केजी ये इतना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। इस तरह से आप कोई भी, इसका लंबाई आपको 2 मीटर लेने का है, इसका 1 लेने का है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लंबाई 2 डालने का, विड्थ 1 डालने का, मल्टीप्लाई करने का और उसको मल्टीप्लीकेशन इससे करने का, तो आपको कोई भी साइज का आप एमएस प्लेट आपका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 10 मीटर का रहो, 10 बाय 1 मीटर रहो, थिकनेस 10 mm, 12 mm, 25 mm, 5 mm, कोई भी थिकनेस चेंज करेंगे तो आपको कैलकुलेशन आपको आराम से आ सकता है। ये खाली एग्जाम्पल दिया है मैं सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे मैं आपको इस चार्ट आपको दिया है बनाने के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए इसका और सही आपको। अभी यहां पे मैं 10 mm का दिया है आपको करके दिखाया है। यहां पे देखो 10 mm का, ये यहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखो 10 mm आपको थिकनेस दिया है यहां पे, और इसके बाद इसका वेट आपको चार्ट में दिया है 78.5, तो अपना भी यही आया 78.5। तो ये मैं करके दिखाया आपको, आप भी पूरा टोटल सॉल्व कीजिए तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इस तरह से आप पूरा टोटल और 10 एग्जांपल आप कीजिए तो आपको कहीं भी आप एमएस प्लेट का वेट निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और कॉमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्त तक पहुंचाइए। ऐसे रोज रोज अलग अलग वेट के आपको वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।